नमस्कार प्रणाम, मैं सुरेंद्र विश्वकर्मा चंदौली से। आइए, मेरा मड़ुआडी के पास में काम हो रहा है, और दिखा रहे हैं काम कैसा हुआ है। 50% काम हो चुका है और इसमें अब माइका लगाने की बारी है, तब तक आइए देखते हैं। नमस्कार, ये बनाए हैं ऐसे ही, टेबल बक चुका है। बाकी मास्टर बेडरूम से आप देखिए, इसमें भी काफ़ी काम एक 50% से 55% हो चुका है। और इसमें आपका ये वार्डरोब है, स्लाइडिंग वार्डरोब है। पहले का कोई कारपेंटर करके गया था, वो थोड़ा गड़बड़ी कर दिया था, फिर बाद में मैं आया हूँ, तो ये वार्डरोब स्लाइडर का सजेशन दे करके मैं वार्डरोब बनाया हूँ। और ये स्लाइडर है, यहाँ पे दूर दराज दिया हूँ, बाकी नीचे एक वी सेल्फ लगेगा। बाकी ये साइड में जो 15 इंच का दिख रहा है, इसमें ड्रेसिंग टेबल बनेगा जो सीधा खींचेंगे बाहर चला आएगा। और ये बाथरूम का डोर है, पहले का कारपेंटर करके दरअसल गया हुआ था, वो ढंग से कर नहीं पाया था। बाद में फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, और मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ इसको। मुझे ऐसा और विश्वास है कि बढ़िया काम आएगा। देखिए, इसमें स्लाइडर है और ये पल्ले के पीछे मैं थोड़ा सा पाइलिंग किया हूँ। अभी इसके ऊपर सब हैंगिंग वैंगिंग लगेगा कपड़ा हैंग करने के लिए। अभी ये कोना थोड़ा बाकी है, इसका पाइलिंग करना है। बाकी ये लोग बेड को आज रिपेयरिंग कर रहे हैं, बच्चों का बहुत बड़ा बेड था, साइज में छोटा किया है। बच्चों का रूम है और इसमें ही वार्डरोब बनाया है बच्चों के, वो कपड़ा वगैरह रखने के लिए। देखिए, एक बच्चे का है, बाकी दो बच्चों का एक ही में अटैच बनाया है इसको। एक सेल्फ, दो सेल्फ और तीन सेल्फ, बीच में हैंगिंग कपड़ा का रहेगा। और ये दराज बनाए हैं, दराज में एक बड़ा दराज बनाया है और एक सिंगल पल्ले का एक छोटा दराज बनाया है। बाकी ये स्टडी टेबल है और तीन बच्चों का है, तीनों बच्चों में एक एक बच्चों का एक एक दराज है। इसमें तीन बच्चे बैठ के पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये तीनों का कैबिनेट है, एक एक खाने हैं इसमें, दो दो फीट का एक खाना हो गया एक बच्चे का, दूसरा दूसरे बच्चे का हो गया, और तीसरा वाला तीसरे बच्चे का हो जाएगा। और आ जाइए देखते हैं, यहाँ पे बेड बनेगा एक खाली स्थान में, डबल बेड रहेगा, एक नीचे रहेगा और एक बेड ऊपर रहेगा। फाइनल होने के बाद दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी अभी तो मेरा, मैं वीडियो जो भी दिखाता हूँ उसमें रियल वीडियो शुरू से लेकर मैं आखिरी तक दिखाता हूँ। जो कि अभी यहाँ पे बेसिंग देख रहे हैं, पत्थर की बेसिंग, इसके नीचे मुझे डोर लगाना है और दराज बनाना है स्टोरेज के लिए। बाकी ये बेड में ये फाइनल टच पे है, मतलब माइका लगाने की नौबत है। 50 से 55% काम हो चुका है, वहीं आपका 40 से 45% फिटिंग और माइके का रह गया है। बाकी ये साइड में एक पल्ले का 15 इंच का बनाया हूँ, एक स्टोरेज है, बीच में जगह साइड में बच रही थी। बेड का हेडबोर्ड है।